थ्योरम नंबर 11.3, दिस इज कन्वर्स ऑफ 11.2, 11.2 का उल्टा कन्वर्स। थ्योरम क्या है? इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स इज इक्वल, अगर क्वाड्रिलेटरल का हर अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। अभी जो हम प्रूव कर रहे थे कि एक पैरेललोग्राम है तो पक्का उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और एक क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड को हमने इक्वल प्रूव कर दिया तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या है? फिर पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, नाउ तो गिवन हम क्या ले रहे हैं, ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, बी डी इज डायगोनल, सेम फिगर हम कंसिडर कर रहे हैं। अब यहां पर हमको क्या लेना है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। ये फिगर क्या है? क्वाड्रिलेटरल। अभी तो हमको नहीं पता ना कि पैरेललोग्राम है, तो इसको हम क्या मानेंगे, अभी क्वाड्रिलेटरल मानेंगे। क्या मानेंगे? गिवन में कौन सा फिगर है? क्वाड्रिलेटरल। और हमको क्या बोला जा रहा है कि अपोजिट पेयर्स जो हैं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कैसे हैं? इक्वल। तो अगर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट साइड के पेयर कौन से हैं? ए बी का अपोजिट साइड कौन है? डी सी। और ये कैसे हैं? इक्वल। ए डी का अपोजिट साइड कौन है? बी सी। और ये कैसा है? इक्वल। गिवन में ही बताया गया है तो यहीं पर हम लिख लेते हैं गिवन में कि ए बी के बराबर कौन है? डी सी। और ए डी के बराबर कौन है? बी सी। दिस इज अवर गिवन कंडीशन, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यही बोल रहा है ना फिगर, क्वेश्चन यही बोल रहा है, अपोजिट साइड कैसे हैं? इक्वल हैं। तो हमको ये प्रूव करना है कि अगर अपोजिट साइड इक्वल हैं तो पक्का ये क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो हमको प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये हमको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे बोलिए, पैरेललोग्राम के बारे में आप क्या जानते हैं? अभी हमको ये नहीं मालूम कि अपोजिट साइड इक्वल होगा, ये तो गिवन में ही बोला ना कि अपोजिट साइड इक्वल है तो पैरेललोग्राम, इसको प्रूव कैसे करेंगे? और क्या जानते हैं आप पैरेललोग्राम के बारे में? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ध्यान से देखिए, ये गिवन कंडीशन है इक्वल वाली, इसको यूज करके अगर मैं कुछ भी जुगाड़ लगा के इसके अपोजिट साइड को पैरेलल बना दूं, क्या बना दूं? पैरेलल, तो ये फिगर क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। क्योंकि हमने ये पहले से ही पढ़ रखा है कि अपोजिट साइड कैसे होते हैं पैरेललोग्राम के, पैरेलल। अब ये कंडीशन दी हुई है कि अगर इक्वल हो साइड, अपोजिट साइड इक्वल हो तो क्या पैरेललोग्राम बन जाएगा? आंसर है हाँ। तो इसको यूज करेंगे और हम अपोजिट साइड को अगर पैरेलल बना लिए तो फिगर पैरेललोग्राम हो जाएगा। समझ आया? जो चीज गिवन में होती कंडीशन उसको आप प्रूफ के तौर पे नहीं यूज कर सकते, उसको यूज करके भले जो चीज पूछी जा रही है वो प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इसको आर्ग्यूमेंट नहीं मान सकते। ये तो आपको बताया जा रहा है कि दो साइड इक्वल हैं तो प्रूफ करो कि पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए दूसरी कौन सी चीज हम यूज में लाएंगे? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अगर हमने अपोजिट साइड को पैरेलल बना लिया कुछ भी करके, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। और हम कहानी कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल से। समझ आया? चलिए कैसे बनाएंगे, दोनों ट्राइंगल हम देख रहे हैं। एक ट्राइंगल कौन सा है? ए बी डी। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? सी डी बी। समझे? इधर देखो, इधर यहां ध्यान दो, हंसो नहीं। आप ये दोनों ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल नंबर वन, ट्राइंगल नंबर टू। हमको क्या दिया हुआ है? ए बी किस ट्राइंगल का हिस्सा है? वन का। डी सी किस ट्राइंगल का हिस्सा है? टू का। ए बी और डी सी कैसे हैं? बराबर। ए बी डी सी गिवन में दिया हुआ है, है? फिर से, पहले ट्राइंगल का ए डी और दूसरे ट्राइंगल का बी सी दोनों कैसे हैं? बराबर। गिवन में दिया हुआ है, पहले ट्राइंगल में बी डी आया, दूसरे ट्राइंगल में भी बी डी आया, कॉमन। हो गई, तीन चीजें मिल गई। ये क्या था? साइड। ये क्या था? साइड। ये क्या था? साइड। तो साइड 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 दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कंकरेंट। साइड 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 कंग्रुएंसी हो गए। हो गए कि नहीं? दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कंग्रेंट हो गए। क्यों कंग्रेंट बना रहे हैं?
इसलिए क्योंकि अगर दो ट्राइंगल कंकरेंट हो जाते हैं तो क्या होता है, उनके सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। हमको तो साइड पहले से ही मालूम था इक्वल है, अब हम क्या लेंगे इसका बेनिफिट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे, देखिए इस ट्राइंगल में अगर मैं ये एंगल लेता हूं तो दूसरे ट्राइंगल में इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, ये। और अभी अभी दोनों ट्राइंगल क्या बनाया हमने, बोलो दोनों ट्राइंगल क्या बनाया, कंग्रेंट। तो इस ट्राइंगल का ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं, और दो कंग्रेंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं, बोलो ना, कंग्रेंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल। तो ये और ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल। क्यों, दिस इज ट्रांसवर्सल, दिस एंगल विथ फर्स्ट पैरेलल एंड दिस एंगल विथ सेकंड पैरेलल मेड बाय द ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसलिए अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल। इसी तरह से ये वाला एंगल पहले ट्राइंगल का, ये वाला एंगल दूसरे ट्राइंगल का बराबर होंगे कि नहीं, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो चुके हैं, कंग्रेंट, और कंग्रेंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। ये दोनों बराबर हुए तो फिर से ये ट्रांसवर्सल, एक एंगल इस पार, एक एंगल इस पार, इसके साथ, इसके साथ, और दोनों एंगल बराबर हैं, इसलिए दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो फिगर क्या डिक्लेयर हो गया, पैरेललोग्राम। दो सेट, दो अपोजिट सेट ऑफ पेयर क्या हो गए, पैरेलल। तो फिगर क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम। समझ आया, इसलिए दोनों ट्राइंगल को क्या बनाया है, कंग्रेंट, ठीक है। सो एडवांटेज लेते हैं कौन सा, एंगल इक्वल करने का। पहला, पहले ट्राइंगल का एंगल बोलो कोई भी, ए बी डी। दूसरे ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल सी डी बी, ठीक है। दूसरा एंगल बोलो इसमें से, एंगल ए डी बी, और उसका एंगल सी बी डी। और यहां रीजन क्या लिखना है, सीपीसीटी। सीपीसीटी से बराबर हो जाएंगे, होंगे। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो पैरेलल होंगे कि नहीं, बोलिए बोलिए, होंगे ना। कैसे लिखेंगे देखिएगा ना, सिंस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी एंड 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 ए बी डी कौन सा है, ये सी डी बी कौन सा है, ये दोनों एंगल बराबर एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। देयरफोर ये और ये, तो कौन से दो लाइन पैरेलल हो गए, ए बी पैरेलल टू डी सी, पहली चीज तो ये पकड़िए। दूसरा, सिंस ये वाले एंगल लेते हैं, एंगल ए डी बी किसके बराबर, एंगल सी बी डी के बराबर, और फिर से बी डी ट्रांसवर्सल है, तो आपकी बार कौन सी दो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों पैरेलल हो गई एंड बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल सिंस बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल हो गए तो फिगर क्या हो गया, पैरेललोग्राम। देयरफोर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। जी प्रूव हो गया, ए बी सी डी क्या बन गया, क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। इसको कह रहे हो ना, दिस इज पैरेलल, पैरेलल होंगे दोनों, दिस इज पैरेलल, ठीक है, सुधार लीजिएगा, ठीक है।